विप्रो कंपनी की सफलता की कहानी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेम जी की, जिनको आज कौन नहीं जानता होगा, पर वो वहां तक कैसे पहुंचे, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बता दें कि विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी के दादा ने कभी सिर्फ 2 रुपए हर हफ्ते से शुरुआत करके सबसे बड़ी राइस ट्रेडिंग कंपनियों में से एक की शुरुआत की थी। 75 साल बाद ये कंपनी अब एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई है, जिसके कई एरिया में बिजनेस है। अजीम प्रेम जी ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। इसके बाद अपने पिता के अचानक हुए निधन के बाद उन्हें 1966 में अपना फैमिली बिजनेस संभालना पड़ा। इनका फैमिली बिजनेस हाइड्रो जनरेटेड कुकिंग फैट का था। उस समय अजीम प्रेम जी के पिता चावल के एक बड़े व्यापारी थे। इसके बाद मात्र 21 साल की उम्र में अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन बन गए। विप्रो की स्थापना वेस्टर्न वेजिटेबल प्रोडक्ट कंपनी के रूप में साल 1945 में हुई थी। विप्रो कंपनी ने आईटी की दुनिया में साल 1980 में पैर रखा। उस समय आईबीएम कंपनी भारत छोड़कर जा रही थी। इसका विप्रो को बहुत फायदा मिला। कंपनी ने अमेरिका की कई कंपनियों के साथ बिजनेस डील की और कंपनी ने सफलता की अनेक कहानियां गढ़ी। इसके बाद कंपनी ने कई दूसरे एरिया में भी कदम रखा। साल 2005 में अजीम प्रेम जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फोर्ब्स के मुताबिक अजीम प्रेम जी भारत के तीसरे सबसे अमीर सीईओ हैं। साल 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रेम जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी लॉ लिजन दी ऑनर से भी नवाजा जा चुका है। 73 साल के अजीम प्रेम जी अभी भी उसी जोश और उत्साह के साथ काम करते हैं, जिस तरह से वो आज से 50 साल पहले करते थे। एक कंपनी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में उनकी कामयाबी का दुनिया लोहा मानती है। देश में वो लाखों युवाओं के आदर्श हैं, जो उनकी तरह ही बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।